बॉडी जरा ढंग से रोण तुम ते सनो सिखाई जो दादी तेरे हारी कोमल दूसरा मेहंदी। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में थोड़ा अलग तरीके से शुरू करूंगी क्योंकि आज आ रहे हैं जय माता रानी की यहाँ पे, तो इन्हीं के अंदाज में हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज रहे हैं आप सभी, सफल हो आपका सारा काम। मैं आसमा नेगी रुद्रप्रयाग जिले के फाफन गांव से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैं आरती दीदी के घर में आ रही हूँ और अभी मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है, आज के रात के टाइम से हो रही है। तो यहाँ पे बैठे हैं सारे कलाकार जो कि अभी रोटी बना रहे हैं। यहाँ पे बन रही है रोटी और ये आ रखे हैं दीपा दीदी लोगों के साथ, भाई लोग। हेलो, हाय। यहाँ पे बॉडी जी भी बैठ रखे हैं, अभी रोटी बन रही है शाम की। और राजवीर भाई भी बना रहे हैं रोटी इनके साथ। एक रोटी पड़ने के बाद सीधे हाथ में आएगी, पहली पहली रोटी नहीं खाते हैं बल, पता पहली नहीं खाएंगे। वही तो जिसको मिल रहा है। और आज ना रोटी हम बाहर में बना रहे हैं और हो सकता है वीडियो बनाने के चक्कर में आज आसमान भी भोगी ना रह जाए। वैसे भी ना मेरा तो कोई अता पता रहता भी नहीं है, आप लोगों को मेरी शक्ल देखे तो पता चल ही रहा होगा कि मैं कितना खाती हूँ। हाँ, मेरा तो देख के ही पेट मन भर गया। और यहाँ पे दीदी कर रही हैं इधर हमारी हेल्प, हमारी नहीं इन लोगों की, मैं तो खाली वीडियो बना रही हूँ। हाँ यार, और दीदी के साथ और भी हैं ये टीम में दीपा दीदी के साथ। हेलो, हाय। हाँ, तो इन लोगों की चल रही है यहाँ पे सूट वो जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे। और वैसे भी दीपा दीदी बहुत अच्छी अच्छी कलाकार हैं, अच्छी अच्छी फिल्म ये अपने चैनल पे बनाती रहती हैं, वो तो सब लोग देखते होंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दीदी कर रहे हैं, दीदी क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए चने बना रही हूँ। चने? हाँ, ठीक है, बना रही हूँ आलू वाले चने के घर के। और उबाल दिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो ना। हाँ, वही तो। अच्छा, पता, मैं एक चीज बताऊँ आप लोगों को, जब मैंने सुबह दीदी को आने के लिए मना किया ना, मैं नहीं आ रही हूँ, तो दीदी ने मेरे से बात करना ही बंद किया और इतनी मतलब उदास हो गई थी। जब मैंने बोला कि हाँ मैं आ रही हूँ तो चेहरा इतना खिल गया ना दीदी का, तो मैं क्या बोलूँ। और हमारे साथ इतने टैलेंटेड भाई लोग आ रखे हैं कि जो हारमोनियम भी बजा रहे हैं, तो यहाँ पे हारमोनियम बज रही है अभी और इसमें हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे गाने की। बहुत सुंदर, कैसा लगा बॉडी जी, कैसा लगा आपको भजन? हे बॉडी, बॉडी जी बोले कम पर यहां पे भीड़ हो गई। थैंक यू ए बॉडी, बॉडी जी कैसा लगा आपको? थैंक यू लगा सुपर सुपर बॉडी सुपर, ये बड़ा वाला लगा। 9 बजे का टाइम हो चुका है और रोटी तो हमने बहुत पहले ही बना ली थी दीदी लोगों ने, हमने तो नहीं बनाई, दीदी लोगों ने बनाई है। और बीच में लाइट चली गई थी तो अभी रोटी अभी खा रहे हैं और दीदी लगा रही है सबके लिए रोटियां, बाकी सब लोग खा रहे हैं बाहर में खुले आसमान के ठंडी हवा के बीच में रोटियां खाई जा रही है। अरे कहीं आपके वो कटोरी में कहीं वो न गिर जाए, हैं वो क्या घूमती है ऊपर वाली पकौड़ी न पड़ जाए आपकी दाल में कहीं, जरा देख के खाना।
और यहाँ पे दीदी सबको बाहर में लगा रही है खाना, और भाई लोग कहाँ गए, और इधर अंदर में खा रहे हैं, ये खा रहे हैं कुछ, इधर में खड़ा खड़े ना खाओ भाई, वहाँ बैठी था खाओ। हाँ सब है अपो अपो में व्यस्त, खावा खावा प्याट भारी खावा, आजकल तो आम भी नहीं दीदी का। अपन दीदी बोल रहे हैं मेले स्पेशल रोटी बन रखी है, पर क्या बन रखी है मेले स्पेशल रोटी भाई? वाह दीदी आपने तो मेरी, वाह यार ये तो मेरा फेवरेट है भाई, कसम से मंडुए की रोटी तो मेरी सबसे फेवरेट है। ये देखो कब बनाई थी ये, सुबह सच्ची में भगवान का समी मंडू मैं तो खाली को देर रोटी वाला ना मल तो चल जा, मैं खाऊंगी मंडुए की रोटी। आसमा भी रोटी चमका रही है और देख लेते कोदे की रोटी चमका रहे हैं सब लोग, पहाड़ी लोग, पहाड़ी लोग का फेवरेट पहाड़ी पछा। तो आपने इस तरह कभी नहीं देखा होगा इनको, आज मैं दिखा लेती हूँ, मैं ठुस करके दिखा रही हूँ। बोल तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मेरा न्यू सॉन्ग आया है रैबाजी, तो उसमें आप लोग मुझे काफी अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, और गाने पे 2 लाख व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं। तो 1 लाख व्यूज पे मैंने अपने पूरे गांव वालों को, जिन्होंने मेरे साथ शूटिंग में मदद करी है पूरे गांव वालों ने, उनके लिए मैंने घर में पार्टी रखी, कीर्तन करवाया। तो मैंने आरती दीदी से बोला था कि 1 लाख व्यूज होने पर मैं आपके घर में आऊंगी और आपके साथ भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन करूंगी, तो उस टाइम पे मैं आ नहीं पाई हूँ, और आज मैं आई हूँ। तो आज सौभाग्य की बात यह है कि हमारे साथ इतने सारे भाई बहन हमारे यूट्यूब से मिले, यूट्यूबर हैं, अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं। तो संजोग वाली बात होती है कि एक पंथ को कहते हैं कि एक पंथ दो काज होगी, इनसे भी मुलाकात हो गई और दीदी के साथ जो मैंने कहा था वो भी पूरा हो गया। और सभी के साथ कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होते हैं, तो मेरी खुशी में, दीदी की खुशी में सभी लोग, दीदी लोग शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि सारे भाई बहन एक साथ हैं। इनके लिए मैं खाने के लिए केक लाई थी, इन्होंने पूरा केक ऐसे मुंह में फटेर दिया। ये क्या कर दिया खाने के लिए, खाने के केक, लोगों के चेहरे देखो, सारे लोगों के चेहरे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी अभी चंद्रमा पे पहुंच गए। इनको जरा मैं बोलती हूँ, मुंह से तो हर किसी ने खाया होगा केक, पर नाक से आज पहली बार खाया, वो भी मेरे रेवाजी ने खिलाया इनको नाक से केक, इन्हें घुसाया और मैंने कान से खाया। हम यहाँ पे पार्टी इंजॉय करने के बाद हाथ मुंह धोने आए हैं यहाँ इधर में, तो यहाँ पे दीदी ने यार रखा हुआ था, पर रखा हुआ था, 11 बज चुकी है और 11 बजे रात अभी बारिश शुरू होने लगी, और 11 बजे तक अभी हम यहीं पे खड़े हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और दीदी का न्यार रखा हुआ था यहाँ पेड़ के नीचे पे पराल, अभी 11 बजे रात पेड़ पे पराल लगाया जा रहा है, पता नहीं ऊपर ना ऊपर तब सीक्रेट है, अभी शायद मसाज जा रखा होगा ऊपर, कुछ पता नहीं चल रहा है, केवल आने वाला है। हाँ आपके सामने जल्दी देखिए कि ऊपर पेड़ पे कौन जा रखे हैं, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। जा रखे थे पेड़ पे, कैसा लगा आपको इस अंधेरी रात में न्याय लगाते समय, कैसा फील हो रहा था? फीलिंग ना शेयर नहीं कर सकती, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि आई बताऊं। खा गई, केक खा के एनर्जी आ गई पेड़ पे, वही तो
तो क्या बोलना, तब रात को न्याने लगाना था तो करना क्या था तब इनका दिन बिखा रहे, सुबह बिखा रहे, इनका घर का खाना तो वसूल तो करना ही है, तो न्या लगा दिया, मेरा चित भी बुझ गया। फसोड़ पड़ के सो सकती हूँ रात भर, मैं तो उराम सुराम होता रहना था कि न्यार भी गया, न्यार भी गया है, फ्री का खाना, फ्री का खाना वैसे भी पचता नहीं है, उन्हें फ्री का खाना पचता है क्यों लगा है अंदर, और केक बचा था ना इसलिए, नहीं डेट पर खा रखी मैंने, वो बात तो निकाल ली थी हिसाब बराबर हिसाब देना होला तेरा बारा मां सोचना ए बेटी अपना बोड़ा पे खुदेना देऊ बुदेने बगते या आही बोवे बोड़ा से ये सोचना होला कखी मेरी बुढ़ी ते पीतोना होला मेरी लाडी ये सोचना कर दूसरों को पी लूं मैं पिटने वाली नी, मेरी बॉडी जरा ढंग से रोन बोड़ा जी छू मातनी ओण बोड़ा की छू मातनी ओण अपने की बातें जरूर करू दूरी दगड़ी तुने बॉडन घर जे को डम अभी तो बोडा डमे के नी सकेरा दारू मारना उठे के कनके रोने घर जेक ते छकीक घल कौन आदी मुँह से तो कोई पीरे मिनीचा पावा मिल जालू रग माता हुए आठना बॉडी अब मानर जाला कुन की पुंगड़ा ची मांडी कल्योला चल मेरी लाची बेचारी रात की 11:30 का टाइम हो चुका है और अभी सारे लोग बाहर में बैठ रखे हैं और खूब सारा एंजॉय किया, बहुत आनंद लिया और ये पल हमको सच में हमेशा याद रखेंगे और आगे हम ये पल जो है ना मतलब लगातार कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर दिन हम इसी तरह से मिले और हम चाहेंगे कि हम उत्तराखंड के यूट्यूबर हैं चाहे कलाकार हैं एक दूसरे को भाई बहन एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसा ही प्यार बनाए रखना आप सभी लोग, आप लोग भी और आप हमारी YouTube फैमिली भी हमारे लिए हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो चलिए दोस्तों रात बहुत हो चुकी है तो सोते हैं, ये लोग सोने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है पर क्या करें रात है तो सोना तो पड़ेगा। कुछ बोलना अब बॉडी लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगी आप, क्या बोलो, नींद नहीं आ रही आप, नींद नहीं आती मेरे को, कह रही मैं बैठ जाऊँ भूख हड़ताल पर नहीं खुशी में केक खाया हमने अभी और सबका मुंह पर लगाया और खुशी में हम नींद नहीं आ रही मेरे। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करती हूँ, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे कल वाली वीडियो में सुबह, बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट शुभ रात्रि।